टुडे जो हमारा इसका चैप्टर है वो इसका ये है मोशन ऑफ ओशन वाटर ना। ये फर्स्ट टाइम आप शायद सुन रहे होंगे ये वर्ड मोशन ऑफ ओशन वाटर। अच्छा, हर चीज का एक मोशन है। मोशन क्या है? मोशन एक स्पीड है, वेव है ना। तो मोशन ऑफ ओशन वाटर की बात कर रहे हैं हम इसमें। तो ये हमारे दो टाइप का होता है। वाटर कैसे कैसे मूव करता है, मोशन उसका कैसा हो रहा है, कैसे वो गति कर रहा है, कैसे चल रहा है, ये दो टाइप से चलेगा। नंबर वन हॉरिजेंटल, कैसा हॉरिजेंटल, एंड नंबर टू वर्टिकल। और इसमें भी टाइप है, इसमें भी क्या होंगे हमारे टाइप्स होंगे। इसमें टू टाइप्स है, नंबर वन वेव्स जो आप पढ़ते हैं, नंबर टू दैट इज करंट, ओशियन करंट है ना, करंट्स। इसमें हम देखें तो इसमें हम तीन चीजों को कर सकते हैं। नंबर वन इज टाइड, टाइड्स। नंबर टू अपवेलिंग। नंबर थ्री इज डाउनवेलिंग्स। वैसे कभी लिखा नहीं जाता बट मैं आपको बता दूं कि ये भी वर्टिकल के फॉर्म में आता है, तो हम इसे रख सकते हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए हमें, हमें हर चीज के बारे में मालूम होना चाहिए, बताना चाहिए, है ना। सो हमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेव से। आपने सभी ने बहुत अच्छे से जाना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अभी फिजिक्स आपने पढ़ी होगी या किसी ने आपको बताया होगा कि वेव क्या होता है, कैसे चलती है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। लेकिन एग्जैक्टली क्या आप जानते हैं कि कैसे क्रिएट होता है, क्रिएशन ऑफ वेव क्या है? अगर हम किसी चीज का फॉर्मेशन पता चल जाए ना, हमें तो समझो काम हो गया। अगर आपको अपने लाइफ का फॉर्मेशन पता चल जाए कि मुझे कैसे लाइफ को जीना है, आपको आ जाए वो फॉर्मेशन, वही तो सब ठीक है। गेम का फॉर्मेशन पता चल जाए आप गेम जीत जाते हैं। हर चीज का फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। यहां पर भी कैसे कैसे वेव क्रिएट होती है उस चीज को ध्यान देना। तो सबसे पहले हम वेव से चलेंगे। वेव, ओके, व्हाट इज वेव? सो मैं सबसे पहले बताऊंगा वेव क्या है। आप देखते हैं ना वाटर, कहीं भी ओशन में हो, कहीं पर भी हो, वाटर है। वाटर वेव कब बनाएगा, मोशन कब होगा उसका? अब वहां पर कोई पहिया, कोई व्हील, कुछ तो ऐसी चीज है नहीं कि जिससे वो करे, तो वहां क्या करेगी, वाटर को एक पुश करेगा। कौन करेगा? विंड। विंड जो आपके वाटर को, विंड पुशेस द वाटर बॉडी, विंड पुशेस द वाटर बॉडी, दैट इज वाटर बॉडी। अब जब वाटर बॉडी को पुश करेगा तो क्या होगा, ग्रेविटी यहां पर क्या काम करेगी, ग्रेविटी इसके बीच में काम करेगी। ध्यान समझना, कई बार ऐसा आता है एग्जाम क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यूपीएससी पूछ लेगी कि व्हाट इज वेव, सो यू कैन राइट व्हाट इज वेव एसेट्रा एसेट्रा, आपने लिख दिया कि विंड पुशेस द वाटर दैट इज कॉल्ड वेव्स। नहीं, इसका हो सकता है इसके अंदर क्या कौन फोर्स लग रहा है, कौन से फोर्स कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में भी पूछ सकता है ना। ग्रेविटी फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, क्या ऐसा काम कर रहा है, कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्या इसमें वेव्स के साथ साथ क्या इसमें वेवलेंथ भी जरूरत है कि नहीं है, वेव लेंथ क्या होता है, वेव्स क्या होती हैं, इसमें आपके ट्रफ्स क्या होते हैं, इसमें हर चीज को जानना बहुत जरूरी है, राइट, क्रस्ट ट्रफ, तो ये सारी चीजें। तो इसमें ग्रेविटी लगती है, जब ग्रेविटी लगेगी इस पे वाटर पे, वाटर बॉडी पे, इट मींस विंड पुशेस द वाटर बॉडी एंड ग्रेविटी पुल्स द क्रस्ट ऑफ द वेव्स। तो वेव्स जो डाउनवर्ड वेव्स है, वेव्स डाउनवर्ड, उसका क्या करता है, उसको क्रस्ट को पुल करता है, खींचता है। ये क्या करेगा, पुल्स, किस चीज को पुल्स कर रहा है, किस चीज को पुल कर रहा है, क्रस्ट को। अब क्रस्ट किस चीज का, वेव का जो डाउनवर्ड जा रही है, और वेव डाउनवर्ड। अच्छा, अब देन आप क्या देखेंगे,
एंड द फॉलिंग वाटर, जो फॉलिंग वाटर है पुशेस द फॉर्मर ट्रफ्स अपवर्ड. अब वो क्या करेगा, जो नीचे जा रहा है वाटर वो क्या करेगा, पुश करेगा, जिससे कि हमारा जो वाटर नीचे आया था वो ऊपर की तरफ अपवेलिंग होने लगेगा. तो जो इसके गया और इसने पुश किया क्रेस्ट को डाउनवर्ड की तरफ, तो नीचे गया, तो इट मीन्स वाटर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. देन फिर नीचे से जब कुछ तो नीचे होगा जो फोर्स इस पे लगा रहा है. अब आप बॉल मारते हो कहीं पर, फिर वापस आता है क्योंकि वहां पर भी उसे फोर्स लगता है, तो ये फिर से इसको पुश करेगा और ऊपर की तरफ लेके आएगा. तो हमारा कैसा कुछ बन जाएगा, राइट, लाइक दिस, ऐसे कुछ क्रिएट होगा. जो ऐसे क्रिएट हो रहा है इट मीन्स डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड. एंड जो अपवर्ड आ रहा है चीजें, एक होगा हमारा ट्रफ्स, इसे बोलते हैं ट्रफ्स, इसे बोलते हैं क्रस्ट. जो नीचे जाए वो क्रस्ट है, जो ऊपर आए वो ट्रफ है, ठीक है. और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. ये वेवलेंथ है. इस चीज पर आपको ध्यान देना है, ये ट्रफ्स है, ये ट्रफ्स एंड दिस इज क्रस्ट. तो वाटर नीचे जा रहा है, इससे ये सब किसका कारण है, विंड. इट मींस विंड फोर्स भी इसमें काम कर रहा है और आपका ग्रेविटी भी काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है. जबकि ग्रेविटी लगेगी तो पुल करेगा, इट मींस वहां पर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है. एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर व्हेन इज द वेव इज सर्कुलर. और ये हमें जो वेव लगता है ना कि ऐसे चल रहा है, बेसिकली एक्चुअल में अगर देखा जाए इसका, कभी देखो, एक तो ये हमें ऐसा दिखता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक्चुअल में ये कैसा, नीचे से अगर देखा जाए वाटर के अंदर से इसका कुछ माइक्रोस्कोप लगाकर, तो कैसा दिखेगा, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी. तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये ऐसे हम इसको कर लेते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से वेवलेंथ नजर, लेकिन अंदर ये सर्कुलर मोशन में होता है. एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर, तो वेव इज कैसा है, अगर हम नीचे देखेंगे विनीथ द वेव, तो वो दैट इज ऐसा लगेगा जैसे ये सर्कुलर में चल रहा है, बट सर्कुलर ऐसा हमें वहां नीचे पानी के अंदर लगता है. ऊपर हमारा कैसा, ऊपर हमें ऐसे दिखाई देगा. सो सरफेस ऑफ द वाटर, when you will see on the surface of the water you will see like this, but if you want to see beneath of the water a wave, uske niche agar dekhen to aapko kuch is tarike se circular motion pe dikhai dega. To aapko do teen cheeze yahan se nikal ke aati hain ki kaise kaise yahan par kaam kar rahi hai. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना, ये चीज सोचना कि कैसे हमारा काम कर रहा है, कैसे ये हमारा मूव कर रही है, कैसे चीजें हो रही हैं. तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं. इसके बाद यहाँ पर कभी एक क्वेश्चन और इसी से वेव से बनता है. वेव छोटी चीज नहीं है, वेव वेव से और भी क्वेश्चन बनेंगे. ब्रेकिंग अप द वेव्स, ब्रेक कब होता है वेव्स का, ठीक है, ब्रेकअप इसका कब होता है, कैसे होता है. तो यहाँ पर जब ब्रेकअप कब होगा, रीजन है उसके पीछे, कैसे आप ये थोड़ा सा आप इसको समझिएगा ध्यान से. ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स, ब्रेकिंग अप ऑफ द वेव्स व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर, जो आपकी दैट इज वाटर, अगर इसकी डेप्थ ऑफ द वाटर अगर देखें, इसकी डेप्थ ऑफ द वाटर, देयर इज अ वाटर, इसकी वाटर की डेप्थ देख लें, देन इसकी जो डेप्थ है इज लेस देन हाफ, ये क्या है, इज लेस देन, ध्यान समझना, हाफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेव की वेवलेंथ का हाफ हो जाए, उसे हम बोलते हैं मतलब ब्रेकअप. ये तब टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. कब ब्रेक होगी, तो अगर ये हमारी डेप्थ जो है, अब किसी व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर क्या हो जाए, इज लेस देन, किससे लेस देन हो जाए, हाफ द वेव लेंथ, हाफ द वेव लेंथ ऑफ द वेव, वेव की जो वेव लेंथ है अगर उसकी हाफ से भी कम आ जाए वाटर की डेप्थ,
समझो वहां ब्रेक हो जाएगी। मतलब ये कहां पर होगी? कोस्टल एरियाज पे, जैसे वाटर है ना, ये सागर, ओशियन है, सागर है, और यहां पर इसीलिए टूटता है। यहां पर क्या होता है, जो आपकी वेव लेंथ है उसके हाफ से भी कम इसकी डेप्थ आ जाती है वाटर की, और यहां पर ये ब्रेक हो जाता है वेव, और इसी को हम तब ये ब्रेक हो जाएगा, द वेव ब्रेक्स, टूट जाती है ब्रेक्स। और यही हमारा जो ब्रेक हो रही है, यही तो हमारा ब्रेकिंग है, यही तो हमारा इसका जानना है, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स। सेकंड पार्ट इसका था करंट। व्हाट इज करंट्स? अब करंट वो नहीं, करंट करंट इट मींस कि कहां पर ओशियन करंट की बात कर रहे हैं, ओशियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। थैंक यू।